हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है टायरलेस सोल, और मैंने ट्विटर पे भी अब अकाउंट बनाया है आप सबसे जुड़ने के लिए। तो मेरा जो आईडी है वो है गौरव गर्ग 888। इस वीडियो में मैं तीसरे हफ्ते का भाग एक आप तक लेकर आऊंगा। टोटल मैं क्वेश्चन कवर करूंगा 82। अगर आप एसएससी बैंक पीओ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पेंडाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। 23 तारीख तक हमारी सेल चल रही है, 23 नवंबर के ईओडी यानी मिडनाइट तक। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर डायल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी खबर, स्टडी आईक्यू को भारत के बेस्ट एजुकेशन चैनल का अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और हमें मोटिवेट करेगा कि हम आगे भी आपके लिए बेस्ट क्वालिटी वीडियोज लाते रहें। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो से एक सीरीज स्टार्ट की थी, और वो ये कि जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो एक राज्य के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले पढ़ाऊंगा। पिछली बार मैंने पढ़ाए थे मध्य प्रदेश के 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आज पढ़ाऊंगा कर्नाटक के। ये यही तरीका है याद रखने का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कि एक एक करके सारे राज्यों के याद रखिए, वरना बहुत ज्यादा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो ये है कर्नाटक के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नेशनल पार्क है वो तो याद हो जाते हैं, वो मैं हर बार आपको फॉर्मुला भी बताया हुआ है, बीबीएन, बनरगट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले। इसके अलावा आंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व भी है जो 2013 में टाइगर रिजर्व बना था, डांडेली टाइगर रिजर्व है जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके अलावा ये सब हैं, अराबी थिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा, भीमगढ़, बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोलते हैं, बिलिगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलकोटे टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयामंगली ब्लैक बक रिजर्व, यहाँ पे ब्लैक बक रखा जाता है, रेनबेन्नूर ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बात आपको बता देता हूँ, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर है पूरे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, ये लेटेस्ट है एकदम। और कर्नाटक का जो राजकीय पशु है वो है एलिफेंट, यानी कि जो कर्नाटक का जो स्टेट एनिमल है वो है एलिफेंट। मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही खूबसूरत मुकम्बिका देवी का मंदिर है वहां पर है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक जगह है जहां पे भालू रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं दारोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ और है, श्रावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये श्रावती वही नदी है जो जॉग फॉल बनाती है, बहुत ऊंचे वाटरफॉल में से एक है, जलप्रपात है भारत का, जॉग फॉल श्रावती नदी बनाती है। शेट्टी हल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगाना थिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी एक्चुअली, एक पक्षियों के लिए है ये। सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पक्षियों के लिए सेंचुरी है जिसको बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये गोवा में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। ताल कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी, और कावेरी नदी को लेके विवाद चलता है तमिलनाडु और कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक से निकलती है तमिलनाडु जाती है, तो तमिलनाडु ऐसा कहता है कि कर्नाटक पानी रोक लेता है सारा। तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताल कावेरी दोनों ही हैं कर्नाटक में, और ताल कावेरी वो जगह है जहां से कावेरी नदी निकलती है। अट्टीवेरी बर्ड सेंचुरी है एक और पक्षियों के लिए, मंडागड्डे बर्ड सेंचुरी, बांकापुरा ये पीकॉक्स के लिए है जो मोर होते हैं उनके लिए, और आदि छुनछु नागिरी बर्ड सेंचुरी ये भी है मोर के लिए, पीकॉक के लिए, ये दोनों मोर के लिए हैं। बोनल बर्ड सेंचुरी है, और तीन बर्ड सेंचुरी और हैं, घाट प्रभा, गुदावी और मगड़ी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये घाट प्रभा है, ये नदी भी है एक बहुत बड़ी, और ये नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ये चार नदियां दक्षिण भारत की मुख्य है, तो कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदी है घाट प्रभा। और एक बात याद रखिए, कृष्णा नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो है कोयना नदी, कोयना नदी पे है कोयना डैम, ये सतारा महाराष्ट्र के अंदर है, ये एग्जाम में बहुत आता है, और दूसरा एक और सहायक नदी है कृष्णा की जिसका नाम है मूसी, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद स्थित, जो तेलंगाना की राजधानी है। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो पे, कौन से राज्य की सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नास्कॉम की मदद से। नास्कॉम का चेयरमैन कौन है, रमन रॉय, ये है नास्कॉम के नए चेयरमैन, और ये राज्य है कर्नाटका। सिद्धरमैया है सीएम, वाजी भाई वाला है गवर्नर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक की सारी बता चुका हूँ। कर्नाटक का एक डांस है फेमस जिसको बोलते हैं यक्षगन, एक और है जिसे बोलते हैं हत्तारा, और एक है डोली कुनीथा, ये फोक डांस है, डोली कुनीथा, हत्तारा और यक्षगना। कंसुलेट जनरल ऑफ विच कंट्री, इनमें से कौन सा देश है जिसका जो राजदूत ऑफिस है, राजदूत विभाग है, उन्होंने एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम रखा है वाई फॉर बिज, यानी कि यूथ फॉर बिजनेस, जो भी लोग नए बिजनेस लगाना चाहते हैं उनकी मदद के लिए, चार शहरों के अंदर किया है, गुवाहाटी, पटना, रांची और कोलकाता।
गुवाहाटी असम में है, पटना बिहार की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये करा है अमेरिका ने, यूएस ने। और याद रखिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप वो भारत आएंगी। उनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप और बिजनेस के लिए होगा। और हमारे बिजनेस के जो मंत्री हैं जिन्हें बोलते हैं कॉमर्स मिनिस्टर वो हैं सुरेश प्रभु। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहाँ पे है नियोरा वैली नेशनल पार्क। चार वैली है नेशनल पार्क, एक तो है साइलेंट वैली केरल में, पिन वैली हिमाचल में, नियोरा वैली और एक है कांगर वैली जो छत्तीसगढ़ में। दुनिया का पहला वर्चुअल स्पेस नेशन, ये अभी अभी इसका नाम क्या है जिन्होंने अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा स्पेस में, यानी ये जो देश है ये पूरा वर्चुअल है, इसका नाम है असगार्डिया। असगार्डिया ये रशिया का प्रोजेक्ट है, रशिया के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है इगोर अशुरबेली। ये बिजनेसमैन भी है, साइंटिस्ट भी है, इगोर अशुरबेली। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, इगोर अशुरबेली, और असगार्डिया नाम रखा है इन्होंने। और ये इन्होंने लॉन्च किया नासा की तरफ से वर्जीनिया से जो अमेरिका के अंदर है। तो चाहे रशिया के साइंटिस्ट होइए लेकिन लॉन्च अमेरिका ने करा है, नासा ने करा है। वैसे रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसको बोलते हैं रोस्कॉस्मोस। इनमें से पहली भारत की खिलाड़ी कौन बनी है जिन्होंने सीएमए ग्रुप टूर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? नेपल्स के अंदर हो रही है। नेपल्स कहाँ है? इटली के अंदर है नेपल्स। इटली की राजधानी रोम है। इटली के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 53, भारत में है 36। और इटली के प्रधानमंत्री हैं पाओलो जेंटिलोनी। इटली में रोम राजधानी है, वहां पे हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इन खिलाड़ी का नाम है अदिति अशोक। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट्स डे होता है वो कब मनाया गया? वो मनाया गया 17 नवंबर को, और पहली बार ये मनाया गया था 1941 में लंदन के अंदर। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। नेटफ्लिक्स की स्टडी के हिसाब से भारत के जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या रैंक है पब्लिक बिंज वॉचिंग के अंदर? और जो बिंज वॉचिंग इन पब्लिक 88% प्रेवलेंस है, और पहले नंबर पे है मेक्सिको 89%, दूसरे नंबर पे है इंडिया। और 71% इंक्रीज हुआ है भारत में बिंज वॉचिंग के अंदर पिछले साल से। नेटफ्लिक्स कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं रीड हेस्टिंग। अगर आपसे पूछ लें कि भाई बिंज वॉचिंग होता क्या है, बिंज वॉचिंग का मतलब होता है मान लो आपने कोई कोई सीजन देख रहे हो, आप कोई एपिसोड देख रहे हो, तो एक धारावाहिक है उसके 10 एपिसोड हैं और आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो तुरंत आप इसके बाद सेकंड एपिसोड देखोगे, फिर थर्ड, यानी जब आप किसी भी एक धारावाहिक के एपिसोड एक के बाद एक लगातार देखते चले जाते हो उसको बोलते हैं बिंज वॉचिंग। तो भारत का रैंक है दूसरा और पहले नंबर पे है मेक्सिको का। नेवी के जो चीफ हैं सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा, इन्होंने ज्वाइंट ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का 2017 रिलीज किया है। ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स? ये है ऑल ऑफ द अबव, तीनों के लिए है। आर्मी के चीफ हैं बिपिन रावत, एयरफोर्स के हैं बीएस धनोआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अनाउंस करा है कि वो 1000 गीगावाट सोलर पावर ऐड करेगी। इसमें जो खर्चा होगा वो होगा 1200 बिलियन यूरो। कौन से साल तक ऐड करेगी, क्या डेडलाइन है? ये डेडलाइन है 2030। और भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो है 175 गीगावाट 2022 तक। 2022 एक और टारगेट है। नीति आयोग ने कहा है कि 2022 तक हम भारत से गरीबी, पॉवर्टी और करप्शन दोनों खत्म कर देंगे, ये कहा है नीति आयोग ने। 2022 एक और डेडलाइन है, फार्मर की इनकम डबल कर देने का वादा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक। और 2025 डेडलाइन किसकी है, भारत से ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाने की डेडलाइन है 2025। और 2027 है भारत से मलेरिया खत्म हो जाने की डेडलाइन। तो सारी डेडलाइन याद रखिए। एक बात आपको और बता देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया से मलेरिया खत्म करने की डेडलाइन रखी है 2030 और भारत ने रखी है 2027, यानी मलेरिया खत्म करना भारत दुनिया से 3 साल पहले चाहता है। राष्ट्रीय बल कल्याण अवार्ड 2017 के लिए किसे मिला है? इनका नाम है आनंद कुमार और ये सुपर 30 के फाउंडर है। सुपर 30 गरीब बच्चों को आईआईटी जेई की तैयारी करवाते हैं और हर साल करवाते हैं। 2002 से इन्होंने स्टार्ट किया था पटना के अंदर सुपर 30। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो जनवरी 2018 से वीजा आसान बना देगा भारतीयों के लिए, वीजा के जो रूल हैं भारतीयों के लिए उनको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाएगा? ये देश है जापान। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट कौन से देश का है? ठीक है, भारत का स्थान है 75। अब ये बताइए
सबसे तगड़ा पासपोर्ट दुनिया में किसका है, ये आप कमेंट्स में लिख के बताइए। सबसे पुअर पासपोर्ट अफगानिस्तान का, यह भी बता देता हूं, और भारत 75वें नंबर पे है, लेकिन सबसे ताकतवर किसका है देखते हैं, बताइए। ऊबर कंपनी जो है इन्होंने अपना दूसरा इंजीनियरिंग फैसिलिटी शुरू करा है भारत में, कहां पर करा है, यह इन्होंने करा है हैदराबाद के अंदर जो तेलंगाना की राजधानी है। यहां पर है मृगावनी नेशनल पार्क, बतुकम्मा त्यौहार है यहां का, सी चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं और मिस्टर नरसिम्हा यहां के गवर्नर हैं। पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, TRS। तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, अब हो गए हैं 31, यानी नए 21 डिस्ट्रिक्ट बने हैं तेलंगाना के अंदर। और ये अगर पूछ लें हैदराबाद में कहां बना है, तो ये बना है कोंडापुर में, हाईटेक सिटी में। इससे पहले ऊबर कंपनी ने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला था हैदराबाद के अंदर, और अब खोला है इंजीनियरिंग फैसिलिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले खोला था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, अब खोला है इंजीनियरिंग फैसिलिटी। ऊबर कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर दारा खोसरोव शाही। इनमें से कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला जहाज लॉन्च करा है जो 80 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, 2000 टन तक का वजन उठा सकता है और सिर्फ 2 घंटे चार्जिंग लगती है इसके अंदर, ये लॉन्च करा है चाइना ने ग्वांगजाऊ के अंदर, ग्वांगजाऊ, तो ये किया है चाइना ने। चाइना की राजधानी बीजिंग है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और शंघाई हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ये एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनाई है ये चेक करने के लिए कि कौन सी इनमें से धार्मिक स्थल है जिसको दोबारा, जिसमें विकास किया जाएगा, जिसको डेवलप किया जाएगा। ये इन्होंने करा है अमरनाथ के लिए, अमरनाथ श्राइन, तो ये है अमरनाथ श्राइन, ये ग्रेटर हिमालयाज का हिस्सा है और काफी इंपॉर्टेंट भगवान शिव का ये धार्मिक स्थल है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि वैष्णो देवी में जाने वाले जो टूरिस्ट हैं एक दिन में कितने जा सकते हैं, उस पर कितनी लिमिट लगाई है, कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन से भारत के मंत्री हैं जिन्होंने नेशनल पावर पोर्टल लॉन्च करा है, जिसे NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने बनाया है, तो ये करा है हमारे पावर मंत्री जिनका नाम है RK सिंह, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर दोनों के लिए हमारे यही मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं और कोयला मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान तेल और गैस और स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, सुरेश प्रभु वाणिज्य मंत्री हैं। हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी भारत का पहला मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन, ये कौन से भारत के बंदरगाह पे बनेगा, बहुत बड़े लेवल का एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनेगा और ये बनाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे, जिसको हम बोलते हैं नहावा शेवा। महाराष्ट्र में है मुंबई के, मुंबई के पास नहावा शेवा यहां बनेगा, और दीनदयाल पोर्ट जो है ये कांडला पोर्ट का नया नाम है, दीनदयाल पोर्ट। हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया पोर्ट। चेन्नई आप जानते ही हैं। ये एक और बात याद रखिए, अमेरिका का जो तेल है वो कहां पे आएगा, जो हम शेल ऑयल खरीद रहे हैं अमेरिका से, वो आएगा पैराद्वीप पोर्ट पर। पैराद्वीप पोर्ट कहां है, ओडिशा में, और इसको लाएगी कौन सी कंपनी अमेरिका से इंडिया तक, पेट्रो चाइना। नेशनल प्रेस डे ये कब मनाया गया, नेशनल प्रेस डे ये मनाया गया 16 नवंबर को, 16 नवंबर, ये वो दिन है जिस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई थी काम करना 1966 के अंदर, और नेशनल प्रेस डे, और चेयरमैन है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है इस वक्त, चंद्रमौली कुमार प्रसाद। सबसे पहला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए, ये कहां हुआ, भारत में ट्यूबरकुलोसिस का खत्म करने का टारगेट है 2025, तो ये हुआ मॉस्को में, मॉस्को है रशिया में, रशिया के अंदर होगा 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। भारत का पहला ग्लोबल ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट कहां पे चल रहा है, ट्राइबल मतलब आदिवासी समुदाय के लोग अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, ये एक नक्सल प्रभावित एरिया है, इसको बोलते हैं दंतनेवाड़ा, और ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगर वैली नेशनल पार्क। यहाँ के डॉक्टर रमन सिंह है यहाँ के मुख्यमंत्री, और बलराम दास टंडन है यहाँ के गवर्नर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेकंड प्राइज मिला है सोशल कंट्रीब्यूशन इन कंट्री वैल्यू, ये इन्हें मिला ADIPEC यानी अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस एक्सीलेंसी इन एनर्जी अवार्ड्स 2017 में। सेकंड अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आंध्र प्रदेश के का जो सबसे साफ एरिया है वो है विशाखापट्टनम,
ये तीसरे नंबर पे सबसे साफ है भारत में, पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे भोपाल है, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश में बन रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट इरिगेशन सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। और एक और स्थान है आंध्र प्रदेश का टॉप 10 में, नौवे नंबर पे है तिरुपति, जहाँ पे बालाजी महाराज का मंदिर है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर बोलते हैं इसे, और तिरुपति का एयरपोर्ट का नाम पलट के भी अब रख दिया है लॉर्ड वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट। और इसके अलावा जो अमरावती एयरपोर्ट है उसका नाम भी पलट दिया है, अब उसका नाम होगा एनटी रामाराव अमरावती एयरपोर्ट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इनमें से हुनर हाट का इनॉग्रेशन किसने किया, IITF यानी जो दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग रहा है, हुनर हाट प्रगति मैदान में इसका इनॉग्रेशन करा मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। वुमेन्स ट्रैप इवेंट किसने जीता है 61वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, ये है शगुन चौधरी। शूटिंग में इनका नाम याद रखिए, एक जीतू राय का नाम बहुत पूछते हैं और एक हीना सिद्धू का नाम पूछते हैं, और जीतू राय और हीना सिद्धू ने 10 मीटर की जो पिस्टल इवेंट है उसमें ISSF वर्ल्ड कप भी अभी अभी जीता है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे पहला अध्याय हुआ, पहली बार मनाया गया हॉट एयर बैलून फेस्टिवल अराकू घाटी में। अराकू घाटी कहां पे है अगर आपको ये पता है तो ये सवाल बड़ा आसान है, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मनाया गया। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है तेलुगु देशम पार्टी के, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है मिस्टर नरसिम्हा, तेलंगाना के गवर्नर भी है ई नरसिम्हा। वर्ल्ड फिलोसॉफी डे अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र दिवस ये कब मनाया जाता है, हर साल नवंबर के अंदर ये मनाया जाता है तीसरे वीरवार को, तीसरा वीरवार इस बार था 16 नवंबर को, सो आंसर है थर्ड थर्सडे। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने कहा है कि मार्च 2018 तक हम इस राज्य को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे, ये कहा है महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, मुंबई बना वैसे अभी अभी ओपन डिफिकेशन फ्री जो यहाँ की राजधानी है, और महाराष्ट्र में है गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लवनी डांस है महाराष्ट्र का। आंध्र प्रदेश एग टेक समिट 2017 हुआ जिसका टाइटल था प्रोग्रेसिव फार्मर स्मार्ट फार्मिंग, ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये मनाया गया विशाखापट्टनम के अंदर। विशाखापट्टनम जो तट के ऊपर है, ये एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर मनाया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, और CII की प्रेसिडेंट कौन है ये आ सकता है, शोभना कामिनेनी। एनटी रामाराव नेशनल अवार्ड किसने जीता 2014, 2015 और 2016 के लिए, आपको बताना है, नंदी स्टेट अवार्ड दिए गए आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। तो 2014, 2015 और 2016 के लिए, 2014 के लिए जीता कमल हसन ने, 2015 के लिए के राघवेंद्र राव ने, और 2016 के लिए रजनीकांत जी ने, ये इन्होंने तीनों ने जीते। इसके अलावा ये तो एक्टर हो गए, डायरेक्टर्स में राजमौली, त्रिविक्रम श्रीनिवास और बोयापत्ती श्रीनिवास को मिला BN रेड्डी अवार्ड, याद रखिए। बाहुबली को वैसे 13 अवार्ड मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं सेतु रत्नम रवि, ये इनका नाम है, इन्होंने धीरेन्द्र स्वरूप को रिप्लेस करा है, इससे पहले थे धीरेन्द्र स्वरूप, और मैनेजिंग डायरेक्टर वही हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं आशीष चौहान। अब्दुल मनन हुसैन, ये इनका अभी अभी निधन हो गया, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे, ये तृणमूल कांग्रेस के थे, इससे पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस में दो बार MP थे ये, 2004 और 2009 में बने थे, और लेकिन फिर इनका कांग्रेस से लड़ाई हो गई थी तब ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी लीडर है इस पार्टी की और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। चौथा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सस्टेन्ड इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे चौथा एक पूरे विश्व का सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयरेस में, ब्यूनोस आयरेस। और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है कि हमें चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, दिस इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्यूनोस आयरेस डिक्लेरेशन भी यहाँ पे लोगों ने अडॉप्ट किया है। और हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं वो हैं मनेका गांधी, वो गई थी ब्यूनोस आयरेस अर्जेंटीना। भारतीय नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, पोर्टेबल डाइवर डिटेक्शन सोनार
को सप्लाई करने के लिए बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी में। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन के साथ, टाटा पावर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये पहले राष्ट्रपति बने भारत के जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल को विजिट किया। ये मोइरांग में है, और मोइरांग कहाँ पे है? मोइरांग है मणिपुर के अंदर, राजधानी है मणिपुर की इम्फाल, और लोकटक लेक है यहाँ पे, और इरोम शर्मिला और मैरी कॉम है मणिपुर की। ये बताइए कि मूडीज जो रेटिंग है भारत की, वो उन्होंने Baa3 से राइज करके क्या कर दी है? ये इन्होंने 13 साल के बाद अपग्रेड किया है, Baa3 से किया है Baa2, और जो स्टेबल है उससे इंडिया का आउटलुक चेंज करके कर दिया है पॉजिटिव, यानी भारत जो है वो बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ये कह रहा है मूडीज। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि GST और जैम, ये इसके जैम होता है जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल नंबर, ये और GST, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें जो पुनर्पूंजीकरण किया जा रहा है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब है Baa2। कौन सा बैंक है जिसने इनोवेशन सेंटर डेनमार्क इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप करी है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और स्टार्टअप्स लाना चाहता है डेनमार्क से भारत में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये एक, और ये बैंक है यस बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है इस बैंक के राणा कपूर। याद रखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर डेनमार्क नंबर वन कंट्री है दुनिया में। हमारे जो तेल मंत्री हैं ये धर्मेंद्र प्रधान है, तो हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस करा है कि वो भारत स्टेज 6 फ्यूल दिल्ली में लॉन्च करेंगे। कब से? ये करेंगे अप्रैल 2018 से ही। पहले ये सोच रहे थे कि हम 2020 से करेंगे, पर दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि ये अब अप्रैल 2018 से करेंगे। एक और बात, भारत स्टेज 6 जो है वो यूरोपियन 6 के बराबर है, इक्विवेलेंट है यूरोपियन 6 के, और ये सबसे क्लीन फ्यूल इसे बोलते हैं, सबसे क्लीन। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज वी खालिदीन का निधन हो गया, ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे? ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इसके अलावा ये केरल हाई कोर्ट में भी जज थे, लेकिन चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, यहाँ पे डल लेक है, यहाँ पे किश्तवर नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, और हेमिस और डचीगम नेशनल पार्क भी हैं। जम्मू कश्मीर का डांस है राउफ, और एक और है दुमहाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट डांस हैं जम्मू कश्मीर के। कौन सा राज्य है जिसने 5वां बाइनियल होटल लिवेट स्टेट रैंकिंग सर्वे टॉप करा है टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए टॉप करा है इसने, ये 5वां सर्वे था, ये टॉप किया है दिल्ली ने, आंसर है दिल्ली। और टॉप 5 है दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है एन इनसिग्निफिकेंट मैन। कौन सा देश है जिसने एक भैंस यानी बफेलोज के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ये किया नेपाल ने, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। और अब आपसे काफ़ी डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ, नेपाल में एक डैम बनने वाला था चाइना का $2.5 बिलियन की लागत से, अब ये नेपाल डैम नहीं बनाएगा ये निर्णय लिया गया है, कौन से डैम की बात कर रहा हूँ मैं? इनमें से कौन सा देश है जिसे ट्रैवल प्लस लेजर 2017 ने डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है? ये देश है कनाडा। कनाडा के रक्षा मंत्री हैं हरजीत सिंह, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, और राजधानी है ओटावा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत 22 ETF, ये एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ETF, जो इन्वेस्ट करेगा स्टैंडर्ड एंड पुअर, भारत स्टॉक एक्सचेंज, भारत 22 इंडेक्स के अंदर, तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करा है ICICI प्रूडेंशियल AMC ने, और ये 8,000 करोड़ रुपीज का जो पैसा है वो इसे रेज करना चाहते हैं। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने भारत का पहला इन हाउस ब्लॉक चेन लेबोरेटरी लॉन्च करा है? जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला है वो लॉन्च करी है, ये करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट ने, BSE इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन से राज्य ने टॉप किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स डीमोनिटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा इस राज्य में खोले गए? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग 1 करोड़ यहाँ पे जनधन अकाउंट खोले गए हैं विमुद्रीकरण के बाद। दूधवा नेशनल पार्क है यहाँ, नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है यहाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इनमें से एक वर्किंग ग्रुप बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये चेक करने के लिए कि जो कमोडिटी प्राइस रिस्क है उसको कम कैसे कर सकते हैं हम ओवरसीज मार्केट्स के लिए। तो इसका हेड किसे बनाया है इस
इस कमेटी का, इस वर्किंग ग्रुप का, इसके हेड बने हैं चंदन सिन्हा, चंदन सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने अभी अभी 1500 करोड़ रुपए की जोहर योजना शुरू करी है। ये कौन से राज्य में करी है? ये करी है झारखंड में, और झारखंड में करी है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है झारखंड्स ऑपरचुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल डेवलपमेंट, यानी इन शॉर्ट जोहर योजना। झारखंड्स ऑपरचुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है, हम उनका कैसे बेस्ट यूज ले सकते हैं, उसके लिए इन्होंने ये की है। तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है, और 17वां राज्य दिवस जो इन्होंने मनाया, स्टेटहुड डे, वो 15 नवंबर को मनाया था झारखंड ने। रघुबर दास यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और द्रौपदी मुर्मू हैं यहाँ की गवर्नर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पेटीएम के साथ मिलकर एक इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म डिजिटल क्रेडिट लॉन्च किया है? इंटरेस्ट नहीं होगा इस पे कोई, शॉर्ट टर्म के लिए किया है, और इसका नाम रखा है पेटीएम आईसीआईसीआई बैंक पोस्ट पेड। इसमें 3000 रुपए से लेके 10000 रुपए तक ये किया है इन्होंने क्रेडिट, और इसको 20000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। पेटीएम कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फाउंडर है, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है रेणु सती। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जहां पे पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं? ये लॉन्च हुआ है वहां पे, ये राज्य है नागालैंड। यहाँ पे है इनटांकी नेशनल पार्क, और हॉर्नबिल फेस्टिवल है यहाँ का। कोहिमा यहाँ की राजधानी है नागालैंड की। मुख्यमंत्री है टी आर जेलियांग, और गवर्नर है पद्मनाभा आचार्या। इंडियन रेलवेज ने भारत का सबसे बड़ा टाइम बाउंड अपस्किलिंग एक्सरसाइज करा है अपने एम्प्लॉयज के लिए। 9 महीने तक चलेगा ये प्रोजेक्ट, और जनवरी 2018 में लॉन्च होगा। इसका नाम क्या रखा है? कौशल विकास के लिए इन्होंने किया है। 13 लाख एम्प्लॉयज का कौशल विकास किया जाएगा। इसका नाम रखा है सक्षम। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अश्वनी लोहानी। और 155वां जो बर्थडे है उसके साथ कोइंसाइड करेगा ये, स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे आता है जनवरी में, तो 155वां स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन्होंने अभी अभी अपनी पहली किताब की प्रति रिसीव करी है, जर्नी ऑफ वुमेन लॉ रिफॉर्म्स एंड द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सम इनसाइट्स। इस किताब को लिखा किसने है? इसको लिखा है डॉक्टर पवन शर्मा ने। मध्य प्रदेश के पार्टनर स्टेट्स कौन होंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में? ये होंगे मणिपुर और नागालैंड। सो आंसर है 3 और 4, मणिपुर एंड नागालैंड। मध्य प्रदेश पार्टिसिपेट भी करेगा संगई महोत्सव में, जो मणिपुर के अंदर होता है, संगई महोत्सव, याद रखिए। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता के लिए जो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस हम मनाते हैं 16 नवंबर को। यूएन पीस कीपिंग डिफेंस मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहां पे हुई थी? यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनकी डिफेंस मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ये हुई, और ये हुई वैनकूवर में। वैनकूवर है कनाडा में। और हेड कौन है इसके यूएन पीस कीपिंग के? ये याद रखिए, जॉन, वैसे जीन लेकिन प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, जॉन पियर लैक्रोआ। जॉन पियर लैक्रोआ हैं इसके यूएन पीस कीपिंग के डायरेक्टर जनरल। एक आदिवासी समुदाय का त्यौहार है जिसको बोलते हैं आदि महोत्सव। इसका उद्घाटन करा वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति हैं। इसका थीम था अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, कुजीन एंड कॉमर्स। इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, दिल्ली हाट में, याद रखिए। और हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं जुआल ओरम, जुआल ओरम। महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार है उन्होंने कितने सिंचाई के प्रोजेक्ट अभी अभी अप्रूव करे हैं 10,686 करोड़ रुपए की लागत से? टोटल प्रोजेक्ट है 107, और विदर्भ, मराठवाड़ा और दूसरे जो रीजन है जहां पे काफी सूखे इलाके हैं वहां के लिए किए हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनाउंस करा है एक प्रोजेक्ट जिससे जितनी भी ग्राम पंचायत है सब में वाईफाई फैसिलिटी दी जाएगी? ये अनाउंस करा है कर्नाटक की सरकार ने। 2650 ग्राम पंचायत में शुरू में ये वाईफाई दिया जाएगा। सो आंसर है कर्नाटक। इनमें से कौन सी भारतीय महिला है जो 17 साल के बाद मिस वर्ल्ड बनी है? 20 साल की है ये, इनका नाम है मानुषी चिल्लर, और ये हरियाणा की हैं। और ये जो टूर्नामेंट या जो ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन हुआ था ये हुआ था सैनिया सिटी एरिना चाइना के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। और इससे पिछली जो बनी थी वो बनी थी 2000 में प्रियंका चोपड़ा। पहली भारत की मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया जो 1966 में बनी थी, डॉक्टर रीता फारिया। पहली एशिया फर्स्ट एशियन पहले एशिया के व्यक्ति कौन है
जिन्हें वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एम्बेसडर बनाया है। इनका नाम है AVPS चक्रवर्ती। ये हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है इको ब्लिस, उस कंपनी के ये मालिक हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने 25,000 करोड़ रुपए अनाउंस करा है, ये एक जो गाय होती है काओ उसका एक ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे पतंजलि की मदद से, 25,000 करोड़ रुपए उसके लिए इन्होंने अलग रखे हैं। ये रखे हैं महाराष्ट्र ने, 25,000 करोड़ रुपए बनेंगे गाय के ब्रीडिंग सेंटर के लिए। और ये बनेंगे कहाँ? विदर्भ में बनेंगे। एक गांव है जिसका नाम है हेती, जिसे कुंडी गांव भी बोलते हैं, विदर्भ में वहां पे बनेंगे। और 10,000 गाय जो होगी वो खरीदेगी पतंजलि ग्रुप। भारत की क्या रैंक है 60 देशों में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, यानी कौन सा देश कितना अच्छा क्लाइमेट चेंज को रोक पाता है, उसमें जर्मन वॉच कंपनी ने यह दिया है। सो भारत की रैंक है 14 और चाइना की है 41। इसमें जो सबसे जो हाईएस्ट रैंक है, देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक किसी को दी नहीं गई, क्योंकि किसी भी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि उसे टॉप 3 पोजीशन दी जाए। तो इसमें डायरेक्टली फोर्थ रैंक दी गई है और वो दी गई है स्वीडन को। इनमें से कौन सा एक्सप्रेस वे है जहां पे वाईफाई अब फ्री दिया जाएगा? ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का है ये, और इस पर यह दिया जाएगा वाईफाई अब फ्री में। एक वेव पावर्ड नेविगेशनल बॉय ये इंडिजिनसली डेवलप करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। ये कहां पे लॉन्च हुआ है, कौन से बंदरगाह पे हुआ है? ये हुआ है चेन्नई बंदरगाह पे लॉन्च। चेन्नई बंदरगाह पे लॉन्च हुआ है। कौन सा राज्य है जिसने एक MOU साइन करा है पतंजलि के साथ मिलके, अब ये राज्य एक फूड पार्क बनाएगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये राज्य है तेलंगाना। हमारा जो रेल मंत्रालय है उसने अनाउंस करा है कि वो जितनी भी ट्रेन है उन सब में बायो टॉयलेट्स लगा देगा। और ये कब तक लगेंगे बायो टॉयलेट्स? ये लगेंगे दिसंबर 2018, ये डेडलाइन रखी है। और COP23 वहां पे ये अनाउंस किया गया, COP23 में। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट एंड टेक्निकल पेपर। इसके हिसाब से भारत में कौन सी ऐसी चीज है 2016 में जो 15% रोग हुए वो इस वजह से हुए, 15% ऑफ द टोटल डिजीज इस चीज की वजह से हुए, ये है कुपोषण, यानी कि मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इस रिपोर्ट को लॉन्च करा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। सबसे कम कुपोषण भारत में है केरल में, सबसे कम केरल में लोवेस्ट मेल न्यूट्रिशन है। सर्जियो रामिरेज, इनको मिला है 2017 का सर्वांतेस प्राइस। ये कहां के हैं? ये जो प्राइज है ये स्पेनिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, सबसे ऊंचा अवार्ड है ये। ये पत्रकार हैं और निकारगुआ के पूर्व डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और तो आंसर है निकारगुआ। निकारागुआ जो है इसकी राजधानी है मनागुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन करा, पहला अध्याय हुआ 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए अधिवेशन हुआ। कहाँ पे ये हुआ? ये हुआ इम्फाल में। इम्फाल में ये हुआ, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और एक बात और याद रखिए, 12वां नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट जो है, मैं रिपीट करता हूँ, 12वां नॉर्थ ईस्ट समिट, नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट जिसे बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज हुआ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में। मणिपुर उसमें था पार्टनर स्टेट। इनमें से कौन सा एक्सचेंज है भारत का जिसने लॉन्च करा है BEST बेस्ट? ये एक ट्रेडिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसे थॉमसन रूटर्स कंपनी के ओमनेसिस नेस्ट प्लेटफॉर्म की मदद से बनाया गया है। ये लॉन्च करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। इनमें से एशिया का सबसे धनी परिवार कौन सा है जिसकी संपत्ति है $44.8 बिलियन? ये अभी अभी अनाउंस करा है फोर्ब्स ने। ये परिवार है मुकेश अंबानी का परिवार, अंबानी फैमिली। दूसरे नंबर पे है कोरिया की ली फैमिली जिसकी संपत्ति है $40.8 बिलियन। तीसरे नंबर पे है हांगकांग की क्वॉक फैमिली, इनकी जो संपत्ति है वो है $40.4 बिलियन, याद रखिए। जगदीश मोहन का निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? ये किरान जो घराना है उसके सिंगर थे। सो आंसर है ही वॉज अ वेरी फेमस सिंगर। इनको संगीत सरताज भी कहा जाता था। इनमें से कौन सा देश है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसने ज्वाइन कर लिया है? ये देश है सीरिया। यानी पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही देश बचा है जो इस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है COP21 पेरिस एग्रीमेंट का, वो है अमेरिका। अमेरिका याद रखिए 169th मेंबर बना है ये सीरिया इसका। और एक और इंपॉर्टेंट बात,
देखिए टोटल कंट्री है 196, उनमें से 169 कंट्री ये बना है, ठीक है, यानी कितने बच गए, 27 बच गए, ठीक है। अमेरिका ने तो अपनी मर्जी से साइन ही नहीं किया, और ये जो 27 देश है इन्होंने साइन कर दिया है जो बचे हैं, लेकिन अब इनके जो घरेलू कानून है उनमें इनको रेटिफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्मली ज्वाइन कर लेंगे। सीरिया की राजधानी दमास्कस है। इनमें से कौन सा देश है जो 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप आयोजित करेगा, वर्ल्ड रग्बी ने ये अनाउंस करा है, ये होगा फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रॉन राष्ट्रपति है, एन मार्च पार्टी है, पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल होंगे, और पेरिस में ओईसीडी और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा वर्ल्ड रग्बी का हेडक्वार्टर है डब्लिन, डब्लिन कहां की राजधानी है, आयरलैंड की, ये नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये भी याद रखिए। और मिस्टर बिल बॉमोंट ये है वर्ल्ड रग्बी के चेयरमैन। कुंवर नारायण, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे, ये एक बहुत ही साहित्य अकेडमी अवार्ड पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है, सो ये थे कवि पोएट, और इनकी जो किताब है फेमस उसका नाम है चक्रव्यूह। सरकार ने लॉन्च करा है सौभाग्य नाम का एक वेबसाइट, इनमें से कौन सी स्कीम की प्रोग्रेस देखने के लिए किया है, इस स्कीम पे नजर रखने के लिए किया है, ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए आर के सिंह बिजली मंत्री ने लॉन्च करी है। एक बात याद रखिए, टारगेट क्या है, दिसंबर 2018 तक 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 4 करोड़ ऐसे घर हमें उनका विद्युतीकरण करना है जिनमें बिजली नहीं गई है, 4 करोड़ घर का टारगेट है दिसंबर 2018 तक। केविन लिलियाना, ये मिस इंटरनेशनल का खिताब मिला है इन्हें, 57वें मिस इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जो टोक्यो में हुआ जापान की राजधानी में, कौन से देश की है केविन लिलियाना, ये है इंडोनेशिया की, और ये इंडोनेशिया की पहली फीमेल है जिन्हें ये प्राइज मिला है। इनमें से किस व्यक्ति को अपॉइंट किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, इनका नाम है उर्जित पटेल, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। पहली महिला भारत में कौन थी जिनका 151वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, ये पहली महिला थी जो लॉयर बनी थी भारत में, इनका नाम है कॉर्नेलिया सौराब जी, और ये पहली महिला थी जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, पहली महिला थी जिन्होंने कानून पढ़ा ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में 1892 में, और पहली भारतीय महिला थी जो किसी भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, इन्हें इंग्लैंड और इंडिया दोनों में कानून प्रैक्टिस करने का लाइसेंस था। इनमें से कौन से राज्य की विधानसभा ने एक प्रिवेंशन एंड डेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक बिल 2017 पास करा है, जिसे हम एंटी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को रोकने के लिए एक विधेयक पास करा है, ये पास करा है कर्नाटक की सरकार ने। नमामि बरक त्योहार मनाया गया बरक वैली में, कहां मनाया गया, ये एक सुरमा और मेघना नदी मिलकर बनाती है इस घाटी को, बरक घाटी, और नमामि बरक त्योहार है असम का, बिहू एक और त्योहार है यहाँ का बिहू, और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया पहला एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी APCERT ओपन कॉन्फ्रेंस, साइबर सिक्योरिटी के लिए, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान के लिए, ये इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। 2017 का वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था, 19 नवंबर को मनाया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसका थीम था वेस्ट वाटर, सिंपल वेस्ट वाटर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने अभी अभी एक स्टेट आयुष सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया है, आयुष हमारा एक मंत्रालय है, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के लिए, श्रीपद यसो नायक है इसके कैबिनेट मंत्री, ये राज्य है बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ और पटना राजधानी है, नीतीश कुमार छठी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। 7 मेंबर कमेटी बनी है अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो ये चेक करेगी कि कस्टोडियल डेथ्स वो कम कैसे हम कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है, इस कमेटी के हेड कौन है, इनका हेड बनाया गया है मिस्टर सुधीर श्रीवास्तव को, और ये कमेटी इसलिए बनी है क्योंकि अनिकेत कोठाले सांगली नाम का जो महाराष्ट्र में शहर है वहां पे इनकी कस्टडी में डेथ हो गई। सो ये था थर्ड वीक का पार्ट 1, इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब दीजिए, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पूछे थे, और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।